तुम्हें याद है मैं और सोबिया दुबई पलट लोगों का कितना मजाक उड़ाते थे। एक तो ये सोबिया, ताहिर सबसे पहले ना उसके नजरिए से ना अपने आप को परखना बंद करो, और तुम्हारी एक दफा दुबई में नौकरी हो गई ना फटाफट तुमसे शादी कर लेगी वो। हाँ मगर मैं कुछ पढ़ लिख के अपनी मेहनत से करना चाहता हूँ। तो जो ये पैसा कमाओगे ना तुम, ये भी तो अपनी मेहनत से ही कमाओगे। अच्छा ना बाबा, ले लो तुम पेपर्स। वैसे भी तुम ना सोबिया के फौरन खिलाफ हो जाते, बिल्कुल ना मेरी बड़ी बहन बन जाती। मैं सोबिया के खिलाफ नहीं होती, पर पता नहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे। जैसे क्या? कुछ नहीं, चलो चल के खाना खाते हैं, आ जाओ। अच्छा तुम जाओ, मैं बस आ रहा हूँ। जल्दी आना। क्या बात कर रही है यार, कैफे में आज जो खाया है ना बिल्कुल अच्छा नहीं था, है ना? अच्छा नहीं होता या सब कुछ ऐसे ही होता है ना। चलो फिर मैं निकलती हूँ, ठीक है? ओके लाफेस। हेलो, आप? मैं बैठो बाइक पर? मैं कभी बाइक पर नहीं बैठी। बैठो, सीख जाओगी, बैठो। तुझे पता तो है मैं यहाँ की दाल मखनी खाने आता हूँ, खास मेहमान है, खिलाओ ना, गरम गरम बनाना। ठीक है सर, भी ले। ठीक है। घबराना नहीं है। क्या मतलब? मतलब पहली बार इस तरह बाहर मेरे साथ आई हो, डर तो लग रहा होगा। कोई जिंदगी में आ जाए तो सबसे पहले जो जाता है वो डर, तभी नहीं समझते आप। तुम समझाओ। क्या? हर वो बात जो तुम मुझ में देखना चाहती हो। मोहब्बत करना आसान लेकिन इसे निभाना बहुत मुश्किल होता है। पहला सबक। दूसरा? जिसे प्यार हो जाए उसे ताना नहीं देते। तीसरा? मोहब्बत करने वाले पर और उसकी मोहब्बत पर कभी शक नहीं करते। अच्छा जी, बस हो गया, आज के लिए इतना काफी है। अपने बारे में कुछ बताओ। मसलन? मुझे इतनी अच्छी क्यों लगती है? क्योंकि मैं अच्छी नहीं हूँ। यानी मेरा दिमाग खराब है जो तुम्हें पसंद करने लगा हूं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अच्छा तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो ये बताओ। आप बहुत अच्छे हैं, बस अगर गुस्सा करना और झगड़ना छोड़ दें। तुम्हें क्या लगता है मैं बिला वजह लड़ता झगड़ता हूं सबसे? नहीं, आई एम श्योर कि बहुत से रीजंस होंगे लेकिन उनका सलूशन निकालते हैं ना मिलकर। फिलहाल भूख लगी है मुझे भाई, कुछ खा ले। अभी तो टाल दिया लेकिन खुद को बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं ये चाहता ही नहीं।